हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे रिटोरिया के करंट अफेयर जनवरी मंथ के 16 तारीख़ के करंट अफेयर ये बिहार एस एस बिहार दरोगा अन एग्जाम बी ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है तो चलिए हम लोग देखते हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर तो पहला फैक्ट है सोलह जनवरी दो से संपूर्ण भारत में कोविड नाइन्टीन टीकाकरण अभियान की शुभारम्भ किसने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इसकी व्याख्या देखें पहले चरण तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा दूसरा यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है तीसरा टीकाकरण के पहले दिन एक लाख इक्यानवे हजार लोगों को टीका लगाया गया नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इक्यावनवीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया नेक्स्ट है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2001 सक्षम किस मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसकी व्याख्या देखें सक्षम का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करना जिससे लोग स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित हो सके नेक्स्ट देखते हैं किस मंत्रालय ने नई लॉ एक्स नीति दो की घोषणा की तो रेलवे मंत्रालय इसकी व्याख्या है नई नीति को दस फरवरी 2021 से प्रभावी किया जाएगा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के लिए कितने रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की है एक हजार करोड़ नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया देशों के सदस्यों ने भाग लिया नेक्स्ट देखते हैं भारत और बांग्लादेश द्वारा बंग बंधु फिल्म का निर्माण किया जा रहा है यह फिल्म किनके जीवन पर आधारित है शेख मुजिब रहमान के जीवन पर आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश में शक्तिशाली भूकंप आया इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस चाइना स्मार्टफोन कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला है तो साओमी सावम, नेक्स्ट है सोलह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को विश्व का पहला हाइब्रिड एयरोपेट्स और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया तो बेंगलुरु में किया गया नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में नैनसन मंडेला विश्व मानवादी पुरस्कार किसने जीता तो इसका आंसर होगा रवि गायकवाड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है सोलह जनवरी दो को शासन में प्रदर्शिता श्रेणी की तरह स्क्व चैलेंज अवार्ड किस मंत्रालय को देने की घोषणा की गई तो पंचायती राज मंत्रालय अब हम लोग देखते हैं सत्रह जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है सत्रह जनवरी दो को पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन वे किस वे प्रसिद्ध थे तो वे संगीतज्ञ और रचनाकार के रूप में नेक्स्ट है सत्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेचू ऑफ यूनिटी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कितनी नए ट्रेन की शुरुआत की हरी झंडी दिखाई तो आठ नेक्स्ट है सत्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विज्ञप्ति के अनुसार इसकी व्याख्या देखें चालू वर्ष बीत चालू वित्त वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस में अप्रैल दो हज़ार बीस से लेकर पंद्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का एन का निर्माण किया गया तो आठ हज़ार एक सौ उनहत्तर किलोमीटर नेक्स्ट है लक्ष्य वित्त वर्ष 2020 से 21 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ग्यारह हज़ार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है सरकार मार्च 2021 तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा है नेक्स्ट देखते हैं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी आगामी तथा अपग्रेड किए गए खेल सुविधा केंद्रों का नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया है विख्यात एथलीटों या खिलाड़ियों के नाम पर नेक्स्ट है खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली जासकर जसकार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई तो लद्दाख में नेक्स्ट है जनवरी 2021 में इक्कीस में कंपनी ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा लक्ष की, की है तो 2040 तक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है तो हरियाणा नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं तो एक दशमलव आठ करोड़ या अठारह मिलियन सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी यू में रह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारत के ही हैं यू में थ्री मिलियन यू में स... 2.7 मिलियन स्वदेशी रूप 2.5 मिलियन है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया तो जमुई नागी नक्ती वर्ड सेंचुरी में गुजरात एवं तेलंगाना नेक्स्ट है जनवरी दो में स्कैन उत्सव त्यौहार किस देश में मनाई जा रही है तो बांग्लादेश नेक्स्ट है इस पर्व में ढाका में बहुत धूमधाम से पतंगबाजी और आतिशबाजी की कार्यक्रम आयोजित की जाती है अब हम लोग देखते हैं अठारह जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है अठारह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को किस शहर में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया सूरत गुजरात में साथ ही साथ अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज टू की शुरुआत भी की गई नेक्स्ट है अठारह जनवरी दो को बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को सी आर को सौंपी गई या मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा बनाई गई है तो डी नेक्स्ट है अठारह जनवरी दो को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के एक सौ सत्र की अध्यक्षता किसने की है तो भारत की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने संबोधन में वर्ष दो हज़ार इक्कीस को वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष मनाने की घोषणा की नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन तेईस जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा किया तो पराक्रम दिवस के रूप में घोषणा की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जून 2021 में होने वाले जी सेवन शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किन्हें आमंत्रित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवन दो की मेजबानी ब्रिटेन द्वारा की जा रही है नेक्स्ट है चर्चा में रहा टेप्सा कानून क्या है तो तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को बंद करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया गया कानून नेक्स्ट है अठारह जनवरी दो को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी कारीगरों को मजबूत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ दो समझौता पर हस्ताक्षर किए तो जनजातीय मामले के मंत्रालय नेक्स्ट है अठारह जनवरी दो को किस देश ने ओपन स्थायी संधि से हट गया तो रूस नेक्स्ट है जनवरी दो में चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार को किसने बनाया तो बी भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलुरु इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बहुचर्चित पुस्तक द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी जा रही है तो यह रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी जा रही है अब हम लोग देखते हैं उन्नीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है उन्नीस जनवरी दो को डॉक्टर वी शांता का निधन व प्रसिद्धि द तो कैंसर रोग विशेषज्ञ रेमेश मैंग से व पद्म विभूषण से, से सम्मानित नेक्स्ट है एक्स डेजर्ट्स नाइट्स ट्वेंटी वन वायुसेना अभ्यास बीस से चौबीस जनवरी दो के मध्य किन दो देशों के बीच होगा उन्नीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इक्यावन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में द ब्रिज फिल्म चर्चा में रहा यह फिल्म किस पर आधारित है असम के गांव में हर साल आने वाली बाढ़ पर इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे असमिया भाषा की फिल्म द ब्रिज कृपाल कलिता द्वारा बनाई गई है नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी दो को श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया तो श्री नरेंद्र मोदी नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी 2021 को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को किस देश ने टू एक से जीता तो भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर पहुंचा मैन ऑफ द सीरीज पैंट कमर्स को दिया गया मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत को मिला नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी 2021 को सबसे कम पारियों में सत्ताईस मैच एक रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट बल्लेबाज कौन बना तो ऋषभ पंत नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को भारत के गणतंत्र दिवस दो हज़ार इक्कीस की परेड में किस प्रथम महिला को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया तो लेफ्टिनेंट भावनाकांत नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी परिषद के उनहत्तरवें पुन अधिवेशन की अध्यक्षता शिलोंग में कौन करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह नेक्स्ट है पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और माल वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन्नीस जनवरी दो को किस नियम को अधिसूचित कर दिया है तो अंतरदेशीय यातायात वाहन नियम दो नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी दो को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया तो त्रिपुरा में मनाया गया अब हम लोग देखते हैं बीस जनवरी के करंट अफेयर इसका पहला है 20 जनवरी दो को अमेरिका के छियालीसवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण की तो जो बाइडन नेक्स्ट है बीस जनवरी दो को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतिले पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी यह परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है तो जम्मू कश्मीर रतले पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में किशतवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है यह परियोजना आठ मेगावाट की होगी नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को अमेरिका के में उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली तो कमला हैरिस नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ कमला हैरिस को नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी तो उज्बेकिस्तान नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को डी ने अस्थाई भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए किस मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नेक्स्ट है 20 बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को भारत और सिंगापुर के बीच कैमी रक्षा मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई तो पाँचवीं नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हजार इक्कीस को परिसंपत्ति मुद्रीकरण की पहली परामर्श बैठक का आयोजन किसने किया तो ये निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार को एन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया सोलामा नेक्स्ट है 24 हुनर हाट का आयोजन बाईस जनवरी से चार फरवरी दो तक कहाँ किया होगा तो लखनऊ थीम है वोकल फॉर लोकल आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उदेश, देश के नए दस्तकारों शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को मौका देना उनके लिए मार्केट मुहैया कराना नेक्स्ट मिल नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की उन्नीसवी बैठक में नितिन गडकरी ने किस वर्ष तक वर्तमान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा है तो 2025 तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोरोना महामारी के बाद पहला आदि पहला आदि महोत्सव बीस जनवरी से तीस जनवरी दो में के बीच कहाँ किया जा रहा है तो नई दिल्ली आदि महोत्सव का उद्देश्य है देश भर में आदिवासी समुदायों की समृद्ध व विविध शिल्प संस्कृति से लोगों को एक जगह पर रूबरू कराने का प्रयास इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत टाइफॉइड द्वारा किया जाता है बीस जनवरी दो को गुरु गोविंद सिंह की कैमी जयंती प्रकाश वर्ष के रूप मनाई गई तो तीन सौ नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार को भारत में बने कोविड नाइन्टीन के पहली खेप किस देश पे पहुंचाए गए तो भूटान और मालदीव नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार को किस देश ने घोषणा की कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड नाइन्टीन का टीका मुफ्त लगाया जाएगा तो बांग्लादेश नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस के किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो सात सौ साठ गोल करके इससे पूर्व सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जोसेफ विकान के पास था नेक्स्ट है बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स टू पॉइंट जीरो के द्वितीय रिपोर्ट संस्करण को किसने जारी किया तो नीति आयोग बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कर्नाटक स्कोर बयालीस दशमलव पाँच अंक महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर बड़े राज्यों में अंतिम सबसे नीचे स्थान बिहार स्कोर चौदह दशमलव पाँच अंक उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को श्रेणी में शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान दिल्ली है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इक्कीस है, जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है इक्कीस जनवरी दो को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई तो मणिपुर मन, त्रिपुरा मेघालय नेक्स्ट है इक्कीस जनवरी से दो फरवरी 2021 के बीच पहला खेलो इंडिया जासकर शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है लद्दाख कारगिल ज़िला नेक्स्ट है इक्कीस जनवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चर्चा में रहा या कहाँ स्थित है तो पुणे महाराष्ट्र नेक्स्ट है इक्कीस जनवरी दो को भारत ने किसके साथ प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता सम्पन्न की यूरोपीय संघ नेक्स्ट है, है जनवरी दो में किस राज्य ने अपने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है तो गुजरात नेक्स्ट है जनवरी दो में चर्चा में रहे निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है शतरंज हाल ही में उन्हें गॉज फॉर्म बिलियानी प्राइस दिया गया नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में वायुसेना अकादमी ने डिंडगल तेलंगाना में कौन सी जयंती मनाई तो स्वर्ण जयंती स्थापना के पचास वर्ष पूरे होने पर नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या सौ से बढ़ाकर कितने दिन करने की घोषणा की एक सौ पचास दिन नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खेला गया तो केरल नेक्स्ट है जनवरी दो में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला किरण रिजिजू नेक्स्ट है जनवरी दो में किस महान गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले की घोषणा की तलिस मलिंगा नेक्स्ट है जनवरी दो में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई इसमें कौन सा देश पर है वाली वेबसाइट है अब हम लोग देखते हैं बाईस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है बाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को नरेंद्र चंचल का निधन वे किससे संबंधित थे तो लोकप्रिय भजन गायक नेक्स्ट है बाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को डीआरडीओ ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन शॉ का सफल परीक्षण कहाँ से किया तो उड़ीसा के तट पर हॉक वन विमान द्वारा नेक्स्ट है बाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाईस जनवरी दो हज़ार को ग्लोबल रिक्स रिपोर्ट दो किसने जारी किया विश्व आर्थिक मंच जनवरी दो में प्रकाशित यह रिपोर्ट सलम संस्करण है नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में माइकल व शीला हेल्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया निखिल श्रीवास्तव भारतीय हैं नेक्स्ट है सड़क परिवहन राज और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया आईआईटी आई टी नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में नेक्स्ट है जनवरी 2021 के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट 2019-20 के लिए के अनुसार किस राज्य ने पुलिस अकादमी को भारत का सबसे पुलिस अकादमी घोषित किया गया तो राजस्थान पुलिस अकादमी नेक्स्ट है जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित दसवीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता आई टी बी पी नेक्स्ट है संयुक्त अभ्यास तीनों सेना कोस्ट गार्ड कवच दो हज़ार इक्कीस का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो अंडमान एवं निकोबार नेक्स्ट है बाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को तेजपुर विश्वविद्यालय के अठारहवें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजपुर विश्वविद्यालय असम में है अब हम लोग देखते हैं तेईस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को सुभाष चंद्र बोस ने के एक सौ पच्चीसवीं जयंती वर्ष मनाने के लिए उनके चित्र का अनावरण किसने किया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब प्रत्येक वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस के इस शुभ अवसर पर कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह आयोजित किया गया इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए नेक्स्ट देखते हैं तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास डी के इक्कीस का समापन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ इस युद्धाभ्यास में भारत एवं फ्रांस के कौन कौन लड़ाकू विमान भाग लिए तो भारतीय वायुसेना के सुखोई थर्टी एम के आई मिराज टू हजार दो हजार एवं दोनों देशों के राफेल विमान नेक्स्ट वर्ष 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी संस्थागत श्रेणी में सस्टेनेबल एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत तो व्यक्तिगत श्रेणी में पाँच लाख एक प्रमाण पत्र एवं संस्थागत श्रेणी में इक्यावन लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष तेईस जनवरी को घोषणा की जाती है नेक्स्ट है तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को केरल में खोज की गई नई चिट्टी उकेरिया प्रजाति का नाम किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई तो प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उकेरिया जोशी नेक्स्ट है तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को किस मंत्रालय ने इक्कीस इक्कीसवीं शताब्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता पर देखो अपना देश वेबिनार आयोजित किया गया तो इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर चलाने का रिकॉर्ड बनाया तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में किस देश ने पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल हो गया तो अमेरिका नेक्स्ट है तेईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को किस मंत्रालय ने आम बजट दो हज़ार इक्कीस बाईस की प्रक्रिया में अंतिम पड़ाव के रूप में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया वित्त मंत्रालय नेक्स्ट है आम बजट दो हज़ार इक्कीस बाईस एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस को पेश किया जाएगा जनवरी दो हजार इक्कीस में किस राज्य के तासेली शिल्प मेला का आयोजन हुआ है तो उड़ीसा में हुआ है अब हम लोग देखते हैं चौबीस जनवरी दो हजार इक्कीस के क्वेश्चन तो पहला है चौबीस जनवरी दो हजार इक्कीस को किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस मनाई तो उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो जनवरी नेक्स्ट बेटी उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस वर्ष देश भर में कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा तो 32 बच्चे को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के थीम विषय क्या रखा गया तो मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना मेकिंग आवर वोटर्स एम्पायर विजिलेंस सेफ एंड इनफॉर्म्स नेक्स्ट है पच्चीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को ग्यारहवा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से हर वर्ष मनाने की शुरुआत हुई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्यावनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है तो इसका आंसर होगा इनटू द डार्कनेस दस ऑफ नेक्स्ट है इंटू द डार्कनेस ए ये फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार के तहत चालीस लाख रुपये एक प्रमाण पत्र दिए जाता है नेक्स्ट देखते हैं में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार स्वर्ण मयूर पुरस्कार इंटू द डार्कनेस डेनमार्क फिल्म है सर्वश्रेष्ठ निदेशक चेन नियन ताइवान फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टीशु सुवान ल्यू साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोपिया से आई नेविन आई फिल्म के लिए स्पेशल मेंशन पुरस्कार असमिया फिल्म ब्रिज निर्देशक कृपाल कलिता असम में बाढ़ की सालाना घटना की कहानी नेक्स्ट है आई सी एफ टी गांधी पुरस्कार अरबी फिल्म दो दो सौ मीटर्स के लिए है ज्यूरी के अध्यक्ष पोलो सीजर है नेक्स्ट है चौबीस जनवरी दो हज़ार को पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता समारोह कहाँ आयोजित किया गया तो इसका आंसर होगा असम के कार झार के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह थे नेक्स्ट है चौबीस जनवरी दो हज़ार को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को किस देश के एयरलाइंस से सेवा करने को नहीं कहा तो पाकिस्तान नेक्स्ट है सेल द्वारा भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने छब्बीस जनवरी दो से जेल पर्यटन की शुरुआत करेगी तो महाराष्ट्र नेक्स्ट है जेल पर्यटन पुणे की यरवदा जेल से शुरू की जाएगी ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने का मौका मिले नेक्स्ट है जनवरी दो में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज विवेल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा तो ये मेघालय में किया जाएगा अब हम लोग देखते हैं पच्चीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला फैक्ट है पच्चीस जनवरी दो हजार इक्कीस को निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन डिजिटल रेडियो डिजिटल रेडियो सेवा हेलो वोटर्स को किसने लॉन्च किया तो राष्ट्रपति श्रीनाथ रामनाथ कोविंद नेक्स्ट है पच्चीस जनवरी दो हजार को किस राज्य ने अपनी स्थापना के पचास वर्ष पूर्ण किए प्रदेश नेक्स्ट है नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली अकास। सेल्फी फॉर वेव हार्डर्स की शुरुआत किसने की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की इसका उद्देश्य है देश भर में युद्ध स्मारकों और स्मारकों के समक्ष अपनी सेल्फियों को क्लिक करने और राष्ट्र की वरिता पुरस्कार विजेताओं को प्रति अपना साथ दिखाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित और आमंत्रित करना नेक्स्ट है संयुक्त युद्धावास एम्पैक्स ट्वेंटी वन का आयोजन इक्कीस जनवरी से पच्चीस जनवरी के मध्य कहाँ किया गया तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस युद्धावास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं को सत्यापन करना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धावास भी एनफेक्स ट्वेंटी वन के भाग के रूप में आयोजित किया गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा छब्बीस से इक्कीस जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है तो पर्यटन मंत्रालय इस वर्ष भारत का पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म डब्लू डब्लू डब्ल्यू भारत पर दो हज़ार इक्कीस डॉट कॉम पर आयोजित किए जाएंगे नेक्स्ट है पच्चीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को एप एक्स ने एक ही रिकॉर्ड के कितने उपग्रह लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया तो एक सौ तैंतालीस स्पेस एक्स एलियन मार्क्स की कंपनी है नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कहाँ झड़पें की खबरें आई तो सिक्किम के नातूला दर्रा के नज़दीक नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म अवार्ड द्वारा देने की घोषणा की गई तो एक सौ उन्नीस पद्म विभूषण सात पद्म भूषण दस पद्मश्री एक सौ दो नेक्स्ट है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड द्वारे देने की घोषणा की गई तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आपे नेक्स्ट है किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की पहल की शुरुआत की गई तो राजस्थान नेक्स्ट है जनवरी दो में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वाहनों में पैनिक बटन या जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया तो छत्तीसगढ़ नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर निशुल्क कोचिंग देने के लिए अवयोदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया तो उत्तर प्रदेश इस अभ्योदय कोचिंग सेंटर में आई एस पी सी एस नीट और जेई की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने, ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की है तो उड़ीसा कटक में की है अब हम लोग देखते हैं छब्बीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है छब्बीस जनवरी दो हज़ार को भारत पर दो हज़ार का उद्घाटन नई दिल्ली में किन द्वारा किया गया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत ने छब्बीस जनवरी दो हज़ार को अपना कैमा गणतंत्र दिवस मनाया तो बहत्तरवा है गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने ४५५ सौ पचपन वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की जिसमें चक से महावीर चक्र से किन्हें सम्मानित किया जाएगा तो कर्नल बी संतोष बाबू कर्नल बी संतोष बाबू १६ बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे नेक्स्ट है वर्ष दो हजार इक्कीस के गणतंत्र दिवस समारोह के कुल बत्तीस झांकियाँ प्रदर्शित की गई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली बार झांकी प्रस्तुत की तो लद्दाख लद्दाख ने कार्बन न्यूट्रल की परिकल्पना को दर्शाने वाली झांकियाँ प्रदर्शित की थी नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाई गई तो छब्बीस जनवरी के प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाली में, में के समय में ग्रीन टैक्स चर्चा में है यह टैक्स किस मंत्रालय द्वारा लगाए जाने की घोषणा है तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय राजमार्ग मंत्रालय यह टैक्स पंद्रह वर्ष से अधिक इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों पर लगाया जाएगा इसे एक अप्रैल दो हजार बाईस से लागू किया जाएगा नेक्स्ट है छब्बीस जनवरी दो को प्रकाशित आईएमएफ एम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत वृद्धि अनुमानित होगी ग्यारह दशमलव पाँच प्रतिशत नेक्स्ट है जनवरी दो में पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः जीत किसने हासिल की है मार्केलो रेबेलो डिसा नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने पंख अभियान शुरुआत की है तो मध्य प्रदेश नेक्स्ट है जनवरी दो की की में किस राज्य में जलियावाला बाग शताब्दी समार स्मारक पार्क आधारशिला रखी गई तो पंजाब के अमृतसर में नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2021 में पाकिस्तान की सटी किस राज्य की, की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की राजस्थान इसका उद्देश्य है भीषण ठंड व कोहरे के कारण रेगिस्तानी इलाकों की सीमा में पाक की तरफ से घुसपैठ रोकने के लिए अब हम लोग देखते हैं सत्ताईस जनवरी के करंट अफेयर दाबो संवाद एजेंडा दो हज़ार इक्कीस चर्चा में है या किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा चौथे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनोवेक्टिव इनिशिएटिव फोरम सम्मेलन द्वारा हज़ार इक्कीस का आयोजन कहाँ किया गया तो रियाज सऊदी अरब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किए नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच कार्यकारी बोर्ड की एक सौ अड़तालीसवें की अध्यक्षता किसने की डॉक्टर हर्षवर्धन नेक्स्ट है सत्ताईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष दो हज़ार चौबीस पच्चीस तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा को कितना प्रतिशत पहुँचाने का लक्ष्य है तो बीस वर्तमान में पेट्रोल के इथेनॉल मिश्रण की मात्रा आठ है नेक्स्ट देखते हैं सत्ताईस जनवरी दो को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जापान के बाज़ारों में भारतीय वस्त्र एवं परिधान को बढ़ावा देने के लिए जापान के निकल स्कैन क्वालिटी इक्नसन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो वस्त्र मंत्रालय नेक्स्ट है भारत सरकार किस पहल के तहत अपने पड़ोसी व अन्य देशों को कोविड नाइन्टीन वैक्सीन उपलब्ध करा रही है तो वैक्सीन मैत्री पहल नेक्स्ट है चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ किसकी नई पहल है तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी ने अब प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का सम्मान शुरू करने की घोषणा की नेक्स्ट है सत्ताईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को किस राज्य ने नौका पुस्तकालय बोर्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली में या इसे यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी का नाम दिया गया है किस मंत्रालय ने तेजस नाम की इंटेलिजेंस उपकरण लॉन्च करने की घोषणा की है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेक्स्ट है विश्वभर में फैले अपने कर्मचारियों के लिए अल्फा ग्लोबल नाम से एक इंटरनेशनल वर्कर यूनियन बनाने की घोषणा की है तो गूगल नेक्स्ट है तो सत्ताईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को चर्चा में रहे अमित खत्री किस खेल से संबंधित हैं तो एथलिट्स दस हज़ार मीटर के रेस वाग यू ट्वेंटी राष्ट्रीय रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ दिए अब हम लोग देखते हैं अट्ठाईस जनवरी के करंट अफेयर तो अट्ठाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को गणतंत्र दिवस परेड दो हज़ार इक्कीस के पुरस्कार के तहत सबसे झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया तो उत्तर प्रदेश बहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में कुल बत्तीस झांकियाँ निकाली गई थी जिसमें कला उत्सव 2020 को 10 जनवरी से 28 जनवरी 2021 के मध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आयोजन किया गया इस उत्सव के समापन समारोह को किसने संबोधित किया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नेक्स्ट है भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष दो को किस रूप में मनाने की घोषणा की तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंस ईयर ऑफ इन्वायरमेंट नेक्स्ट है अट्ठाईस जनवरी को नई दिल्ली में दोनों देशों के पर्यावरण मंत्री इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना प्रभाव को बढ़ाना नेक्स्ट है सारी स्थानीय निकाय यूएल बी सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पांचवा राज्य कौन बना तो राजस्थान अन्य चार राज्य आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश मणिपुर तेलंगाना नेक्स्ट है कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कौन सा देश केवल छः दिन में दस लाख टीके लगाने वाला पहला देश बना तो भारत अमेरिका को दस दिन लगा अट्ठाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को मिस्र के लिए भारत का राजदूत किन्हीं नियुक्त किया गया अजीत विनायक गुप्ते नेक्स्ट है अट्ठाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को कजाकिस्तान के लिए भारत का राजदूत किए नियुक्त किया गया तो सुभदर्शनी त्रिपाठी नेक्स्ट है जनवरी दो हज़ार इक्कीस में मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश है बनाया गया तो पी संजय कुमार नेक्स्ट है जनवरी 2021 में अंगटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे सबसे बड़ा प्रत्या प्राप्तकर्ता देश कौन बना तो चीन अमेरिका दूसरे स्थान पर ग्लोबल क्लाइमेट रिक्स इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा तो सातवां वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनबाज वन स्थित पर्यावरण संगठन द्वारा जारी किया जाता है जनवरी 2021 में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी तो काजा क्लास नेक्स्ट है अट्ठाईस जनवरी 2021 को पहली बार जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा तो छियासवा रहा नेक्स्ट है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता किया गया है इस सूचकांक में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर ब्राज़ील है अट्ठाईस जनवरी दो को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दो बीस के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान कौन रहा तो महाराष्ट्र स्कोर पाँच दशमलव सतहत्तर बाई दस दूसरा स्थान तमिलनाडु तीसरा अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश स्कोर तीन दशमलव पंद्रह बाई दस अब हम लोग देखते हैं उनतीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है उनतीस जनवरी दो को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा दो हज़ार को पेश किया गया वित्त वर्ष दो हज़ार में भारत की जीडीपी वृद्धि दर माइनस सेवन दशमलव सेवन प्रतिशत कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर प्लस थ्री पॉइंट फोर प्रतिशत उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर माइनस नाइन पॉइंट सिक्स प्रतिशत सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर माइनस एट पॉइंट एट प्रतिशत राजकोषीय घाटा थ्री पॉइंट फाइव प्रतिशत उपभोक्ता मूल सूचकांक छः दशमलव छः प्रतिशत थोक मूल सूचकांक माइनस जीरो दशमलव एक प्रतिशत विदेशी मुद्रा भंडार आठ जनवरी दो हज़ार इक्कीस तक पाँच सौ छियासी दशमलव एक बिलियन डॉलर वित्त वर्ष दो हज़ार में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समीक्षा दो हज़ार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक आर्थिक समीक्षा दो हज़ार का विषय क्या है तो जीवन और आजीविकाओं की सुरक्षा नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा दो हज़ार बीस इक्कीस में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह की सुधार जारी की बात कही गई तो भी आकार की नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस संगठन के साथ छः राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए पाँच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो विश्व बैंक नेक्स्ट है उनतीस जनवरी दो हज़ार को चार दिनों का गणतंत्र दिवस का समापन किस समारोह के साथ हुआ वेटिंग द रिटिक नेक्स्ट है नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर मीटिंग द रिटिट समारोह का आयोजन किया गया उनतीस जनवरी दो को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ तो इजरायली दूतावास नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनतीस जनवरी दो को चर्चा मेरा प्रबुद्ध भारत पत्रिका कहाँ के कहाँ से प्रतिमा प्रकाशित होती है तो किस मिशन स्वामी विवेकानंद ने किस परमहंस के कहने पर अठारह में, में इस पत्रिका की शुरुआत की थी 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पत्रिका के एक सौ पच्चीसवें वार्षिकोत्सव समारोह को संबंधित करेंगे जनवरी 2021 में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा तो दसवा प्रथम स्थान सिंगापुर जनवरी दो हज़ार इक्कीस में कृषि सखाई ऐप किसके द्वारा जारी किया गया भारतीय एक्स्ट्रा जनरल इंश्योरेंस एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस से भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन होंगे चंदी प्रसाद मोहन्ती होंगे अब हम लोग देखते हैं तीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला है तीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को महात्मा गांधी की तिहतरवीं पुण्यतिथि का कौन सा दिवस मनाया गया तो शहीद दिवस नेक्स्ट है चीन में बनी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना तो हंगरी नेक्स्ट है भारत के किस शहर में ग्यारह फरवरी को देश का पहला जेंडर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा कोडिकोर केरल नेक्स्ट है किस टेलीकॉम कंपनी ने हैदराबाद में 5G जी रेडी नेटवर्क का घोषणा की तो भारतीय एयरटेल जनवरी 2021 में जारी ब्रांड स्टेट इंडेक्स में दुनिया का सबसे स्ट्रांग ब्रांड में रिलायंस जियो का स्थान क्या रहा तो पाँचवा नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्नल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश जारी किए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नेक्स्ट है भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की पाँचवीं संयुक्त बैठक का आयोजन जनवरी दो में कहाँ किया गया तो नई दिल्ली भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने इस बैठक की अध्यक्षता की नेक्स्ट है जनवरी दो में जारी भ्रष्टाचार धरना सूचकांक ने भारत का स्थान विश्व के एक देशों में क्या रहा तो छियासी माह नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है जीरो से सौ पैमाने वाले सूचकांक में भारत ने चालीस अंक प्राप्त किया न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे स्कोर अट्ठासी सोमालिया और दक्षिण सूडान संयुक्त रूप में अंतिम स्थान पर रहे स्कोर बारह नेक्स्ट है तीस जनवरी दो को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया जैसा जयसा वर्तमान में बी के सचिव है नेक्स्ट है तीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को भारत की किस प्रथम श्रेणी के घरेलू टूर्नामेंट को सतासी साल में पहली बार रद्द किया कर दिया गया तो रंजीत रन, ट्रॉफी सत्र दो हज़ार बीस से इक्कीस नेक्स्ट जनवरी दो हज़ार इक्कीस में चर्चा में रही ई फीलिंग क्या है अब देखते हैं हम लोग इकतीस जनवरी के करंट अफेयर तो पहला आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है आर एस शर्मा नेक्स्ट है वर्ष दो में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया इकतीस जनवरी प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है किस मेट्रो ने अपने ट्रेन के डब्बों को साफ करने के लिए पहली बार पर्यावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किया लखनऊ मेट्रो नेक्स्ट है भारत का पहला वर्चुअल अकाडमी ई स्पोर्ट्स के लिए किसके द्वारा खोला जाएगा आसूस नेक्स्ट है जनवरी दो में चर्चा में रहा पुस्तक बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक के लेखक कौन है पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी नेक्स्ट है इकतीस जनवरी से चार फरवरी तक चलने वाले आठवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नेक्स्ट है जनवरी दो में किस देश के बासमती चावल को जी टैग प्रदान किया गया तो पाकिस्तान नेक्स्ट है किस देश के शासन प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं एक साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया तो म्यांमार नेक्स्ट है इकतीस जनवरी दो को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ने फाइनल मैच में किसने विजय प्राप्त की तमिलनाडु बड़ौदा टीम को हराकर नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक एक फरवरी दो के कौन होंगे सिद्धार्थ मोहंती नेक्स्ट है जनवरी दो में युगांडा के पूर्ण राष्ट्रपति कौन बने थ्रियोबरी मुसेवनी बनी आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका छूटे नहीं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू